Good afternoon, class 5 students. It's yours SST turn and I'm your SST teacher. And as we have yesterday started our chapter number 4, Major Landforms, Major Physical Features or Relief Features जो हमारे अर्थ के हैं हमने स्टार्ट किए थे और उसमें हमने माउंटेन्स के बारे में स्टडी कर लिया था. आज हम कहाँ से स्टडी करेंगे? प्लेटूस से हमने पढ़ा था. माउंटेन्स हायर होते हैं, ऊंचे होते हैं, और जो थोड़े कम माउंटेन्स से नीचे होती हैं, हाई होती हैं, उन्हें हम हिल्स बोलते हैं. पढ़े थे ना, तो माउंटेन रेंजेस भी हैं, बहुत सारी पीक्स भी होती हैं. और यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन बहुत कम है और वहाँ पर बहुत लोग भी कम रहते हैं. कोल्ड विंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं. हिल स्टेशंस भी हैं, रिवर्स भी हैं. चलिए आगे देखते हैं. प्लेटूज, प्लेटू क्या होता है? जो थोड़ा ऊंचाई पे लैंड होता है उसे प्लेटू बोलते हैं. अ प्लेटू इज़ अ रेस्ड पीस ऑफ लैंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया से. जो नॉर्मल एरिया होता है जहाँ हम रहते हैं उससे जो थोड़े ऊंचे लैंड होते हैं, हायर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लेटूज. इट्स टॉप इज़ फ्लैट एंड लेवल. जो प्लेटू होते हैं उनके टॉप ऊपर की जो चीज़ होती है वो एकदम फ्लैट होती है, लेवल होती है. इट हैज़ स्टीप स्लोप, स्टीप किनारे होते हैं थोड़े से. अ प्लेटू इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड. प्लेटू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं. कभी कभी जैसे ये ऐसे थोड़े से स्टीप होते हैं, नुकीले से भी हो जाते हैं. प्लेटू इज़ ऑल्सो डिफर इन एज, साइज एंड हाइट. प्लेटूज जो होते हैं उनकी एज, उनका साइज, उनकी हाइट सब अलग होती है. हर एक प्लेटू की अलग अलग होती है. सम प्लेटूज कैन बी एक्सट्रीमली वास्ट. कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत बड़े हैं. लाइक जैसे कि डेक्कन प्लेटू है, इंडिया में सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज है हमारे पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में. डेक्कन प्लेटू बहुत सारे प्लेटूज हैं, जैसे हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, बहुत सारे होते हैं. सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेटूज आर एज फॉलोज. कुछ इनके फीचर्स होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस देखते हैं. सम प्लेटूज इन द वर्ल्ड आर अनइनहैबिटेड ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट्स एलिवेशन. कुछ जो प्लेटूज होते हैं वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में, वो अनइनहैबिटेड है, यानी कि वहाँ पर कम पॉपुलेशन रह सकती है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी नहीं होती, आप वहाँ रह नहीं सकते. थोड़ा हार्श होता है, थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है और थोड़े ऊंचाई पे होते हैं. इट्स एलिवेशन मीन्स ऊंचे होते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लेटूज होते हैं, कुछ ऐसे जो कि लो लाइंग थोड़े नीचे होते हैं एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड. जो प्लेटूज लो हैं, लो मीन्स नीचे, जैसे प्लेन होते हैं ना, थोड़े नीचाई पे होते हैं, ऊंचाई पे नहीं, थोड़े लो लाइंग एरियाज में होते हैं एंड और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. डेंसली मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन होती है वहाँ. प्लेटू रीजन्स आर रिच इन मिनरल. प्लेटू में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, लाइक जैसे आयरन, आयरन होता है, लोहा, कोल, कोयला होता है, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं पदार्थ. द छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज़ वन सच एग्जाम्पल है. छोटा नागपुर प्लेटू में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं. छोटा नागपुर प्लेटू. रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेटूज मेक वाटरफॉल्स. जो नदियाँ होती हैं यहाँ से बहती हैं, वो क्या बनाती हैं? झरने बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं. दीज आर आइडल साइट्स फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पानी से बिजली बनती है तो बिजली बनने के लिए ये बहुत सुइटेबल है, आइडल हैं. डेक्कन प्लेटू आपने मैप देखा, ये नीचे होता है, यहाँ यहाँ पे ये इधर की साइड, यहाँ पर होता है डेक्कन प्लेटू, ये ट्राइंगल की शेप में होता है, इधर छोटा नागपुर भी इधर ही है. प्लेटूज आर वेरी रिच फर्टाइल सॉइल एंड आर गुड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेटूज होते हैं वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल मीन्स सुइटेबल है, अच्छी है एग्रीकल्चर, फार्मिंग करने के लिए. एंड लेस फर्टाइल वंस आर यूज एज ग्रेजिंग लैंड. जो अच्छी होती है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है और जो सॉइल अच्छी नहीं होती है वो बस चरने के लिए यूज़ की जाती है, फॉर एनिमल्स. नेक्स्ट, मैनी प्लेटूज आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस. बहुत सारे प्लेटूज हैं जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं घूमने, बिकॉज ऑफ देयर सीनिक ब्यूटी. क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, देखने वाले होते हैं. लाइक जैसे द ग्रैंड कैनियन कार्व्ड आउट बाय द कोलोराडो रिवर लोकेटेड इन
कोलोराडो प्लेटू यूएसए में, यहाँ पर है ये प्लेटू, इसका नाम है, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेटू है जो कि यूएसए में, इंडिया में नहीं है, इंडिया से आउटसाइड है। सी ये तिब्बतन प्लेटू दे रखा है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये हिमालयास की साइड में पाया जाता है, तिब्बतन प्लेटू है इसका नेम। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट हमारा कौन सा लैंडफॉर्म है, प्लेन्स, प्लेन्स एरिया जहाँ हम रहते हैं इस वक्त, वो हमारे एरिया प्लेन्स होते हैं। अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, बहुत खिंचे हुए लैंड जो फ्लैट होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जैसे एक प्लेन एरिया फ्लैट है, ऊंचाई पे नहीं है, वो प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें हम लो लैंड्स भी कहते हैं। अब प्लेटूज ऊँचे हैं तो वो टेबल, जैसे टेबल ऊँची होती है तो टेबल लैंड्स होते हैं, ऐसे ही प्लेन्स नीचे होते हैं, इन्हें लो लैंड्स कहते हैं। एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और बहुत ये लंबे होते हैं प्लेन्स। हमारे पास डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट हैं, इतने लंबे हैं, अराउंड 2500 किलोमीटर्स लंबाई है इनकी। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय प्लेन्स, प्लेन्स में 1/3 सरफेस कवर कर रखा है प्लेन एरिया ने। बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सारे स्टेट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड है, प्लेन एरिया में। द प्लेन्स फाउंड अलॉन्ग द सी आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स, वो प्लेन्स जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया, वेस्ट की साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स आर यूजली फॉर्म बाय रिवर्स, जो नदियाँ होती हैं, नदियों से मिल के क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन्स से, जब नदी नीचे जा रही है, जो माउंटेन्स हमने ऊपर माउंटेन्स, इसके नीचे यहाँ पर प्लेन एरिया है ये सारा, जब प्लेन से, जब माउंटेन से नीचे नदियाँ जा रही हैं तो अपने साथ वो सैंड मिट्टी सिल्ट सेडिमेंट्स लेके जाती हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं नदियों के किनारों पर, और जो कि क्या बनाते हैं, प्लेन्स को फर्टाइल बनाते हैं। प्लेन्स में तीन बेसिन होते हैं, नदियाँ द गंगा, ब्रह्मपुत्रा और एक सतलुज भी होती है, फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये मेनली तीन नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड सतलुज, इनसे नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इंडिया में कवर अप होते हैं। बाकी रेस्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, आप इसको अच्छे से स्टडी करना हो।